जिला में 19 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी लोग पहले ही गृह संगरोध में रखे गए थे। देर रात को प्राप्त रिपोर्टों में इनकी पुष्टि हुई है। इनके अलावा 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला समेत कुल 17 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि संक्रमित व्यक्तियों के साथ प्राथमिक संपर्क के कारण 9 लोग पॉजिटिव निकले हैं। इनमें धनेटा क्षेत्र के गांव भद्रू की 10 वर्षीय लड़की और 45 वर्षीय व्यक्ति शामिल हैं। नादौन उपमंडल के गांव जसोर डाकघर झला में 72 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक और 13 वर्षीय लड़का, बड़सर के गांव खरोटा की 43 वर्षीय महिला, 14 वर्षीय लड़की और 85 वर्षीय बुजुर्ग तथा बड़सर के पटलियार क्षेत्र के चंबे में 67 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक और 5 वर्षीय बच्ची भी प्राथमिक संपर्क के कारण संक्रमित हुई है। हमीरपुर के वार्ड नंबर 1 कृष्णानगर में मोहाली से आया 37 वर्षीय व्यक्ति धनेटा के गांव बाग स्लेतर में उत्तराखंड से लौटा 23 वर्षीय युवक भोरंज के अमन क्षेत्र के गांव बढ़ार में छत्तीसगढ़ से आया 56 वर्षीय व्यक्ति और जालंधर से आया बारी मंदिर क्षेत्र के गांव महरे का 32 वर्षीय व्यक्ति भी पॉजिटिव पाया गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर में लिए गए 35 वर्षीय महिला की सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनके अलावा गांव महरे में राजस्थान से आए 3 लोगों, 25 वर्षीय युवक, 28 वर्षीय व्यक्ति और 35 वर्षीय महिला तथा गोरखपुर से आया 27 वर्षीय व्यक्ति भी संक्रमित पाया गया है। जोड़े अम क्षेत्र के गांव मेला में राजस्थान से आए 26 वर्षीय महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव निकली है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि स्वस्थ हुए 17 लोगों में गांव पंचायत की 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला, 38 वर्षीय व्यक्ति और 60 वर्षीय महिला, सुजानपुर के वार्ड नंबर 1 का 38 वर्षीय व्यक्ति, तहसील बड़सर के गांव बकरों का 26 वर्षीय व्यक्ति, बड़सर के गांव बकरेड़ी के 5 लोग, 29 वर्षीय व्यक्ति, 37 वर्षीय महिला, 18 वर्षीय युवक, 56 वर्षीय व्यक्ति और 11 वर्षीय लड़का शामिल है। गांव झिरालड़ी के 36 वर्षीय व्यक्ति, तरकवाड़ी के गांव समूताल के 22 वर्षीय युवक, पटलांदर के गांव जगरियाल के 25 वर्षीय युवक और हमीरपुर के व्यवसायी के 19 वर्षीय कामगार की रिपोर्ट भी अब नेगेटिव आ गई है। ये सभी लोग NIT परिसर में स्थापित कोविड केयर सेंटर में उपचाराधीन थे। इनके अलावा कोविड स्वास्थ्य केंद्र भोटा में उपचाराधीन टाउन बराड़ी क्षेत्र के गांव बलोखर के 50 वर्षीय महिला, लंबलू की 32 वर्षीय महिला और विकास नगर दड़ोही की 54 वर्षीय महिला भी अब स्वस्थ हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि ठीक हुए सभी लोगों को घर भेजने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।